पीलीभीत पर चुनावी रंग चढ़ चुका है। हर तरफ चुनाव प्रचार हो रहा है जिसमें बीजेपी सबसे आगे है, लेकिन अब बीजेपी के वरुण गांधी के सामने एक ऐसी चुनौती आके खड़ी हो गई है जिसका नाम भी वरुण गांधी है। ये वो वरुण गांधी है जिसने कल पीलीभीत में अपना नामांकन दाखिल किया और सुल्तानपुर के बाद पीलीभीत में वरुण गांधी के सामने आकर वरुण गांधी खड़ा हो गया। कहानी 2012 से शुरू हुई है, जो एक मुलाकात को कैंसिल करने से शुरू हुई और उसके बाद चुनावी मैदान में जहां मेनका गांधी का लाडला पहुंचा, वहां हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले ये वरुण गांधी आ पहुंचे। इनकी कोशिश रहती है कि वो वरुण गांधी के वोट बैंक में सेंध लगा सके। इसीलिए 2014 में रेवाड़ी के गांधी ने दिल्ली वाले गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर में भी पर्चा दाखिल किया था और करीब 14,996 वोट हासिल किए थे। पीलीभीत में भी वरुण गांधी के सामने जब रेवाड़ी से दूसरा वरुण गांधी फक सफेद कुर्ता पहले नामांकन करने पहुंचा तो सब दंग रह गए और ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई जानना चाहता था कि ये दूसरा वरुण गांधी कौन है, क्या ये संजय गांधी और मेनका गांधी का दूसरा बेटा है या फिर ये असली वरुण गांधी है। वहीं दिल्ली वाले वरुण गांधी की भी धड़कनें बढ़ गई थी कि पहले से ही संगठन की गुटबाजी को वो झेल रहे हैं और ऊपर से दूसरी मुसीबत नामा राशि वाले की आन पड़ी। ऐसे में कैसे चुनावी प्रचार किया जाएगा और कैसे चुनाव जीता जाएगा, ये बड़ी समस्या है। वरुण गांधी के नामा राशि ने एक राहत भी दी है और कहा कि अगर मेनका का लाडला उनसे मुलाकात कर लेता है तो वो अपना नाम वापस ले लेंगे, लेकिन अगर नाम वापस नहीं लिया तो मुकाबला मजेदार देखने को मिलेगा और पीलीभीत में कैसे वरुण गांधी वर्सेस वरुण गांधी में आवाम फर्क करेगी वो देखना दिलचस्प होगा। पीलीभीत से मीडिया हलचल के लिए आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट।